झूठ बोलने वाला। तो हिटलर ने एक मिनिस्टर बनाया था, उसने अपने साथ एक मिनिस्टर बनाया था जो प्रोपोगंडा फैलाता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार झूठ बोलती है। इसलिए इस चुनाव में मदद करिए। ये वो जगह है, ये जगह वो है जहां गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो भाईचारा को बढ़ाते हैं, ये वो लोग हैं जो मिलजुल करके रहते हैं। हम वो लोग हैं समाजवादी लोग, अगर ईद हो तो ईद भी मनाते हैं, होली हो तो होली भी मनाते हैं, दिवाली हो तो दिवाली भी मनाते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना, ये जो झांसा देने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, झगड़ा लगाने वाले हैं, इनसे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अब तो कुछ भी समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग एक एक वोट साइकिल के निशान पर डाल करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिताना। इधर आपने एक गाना बहुत सुना होगा, यूपी में काबा, पता नहीं कहां से वो गाना आया, और जब से वो गाना आया यूपी में काबा, तब से हो गया बाय बाय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे जो दूसरे दल को आज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, अब्दुल्ला साहब भट्टा वाले, मैं उनको बधाई, चंद्रिका प्रसाद आर्य जी बधाई, शिवनारायण प्रजापति बधाई, और रवि कर सिंह जी जो बीजेपी छोड़ करके आए, इन सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। वही मैं अपने तमाम पिछड़े और दलित भाइयों को कह करके जा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भाईचारे के साथ मिलकर के वोट डालेंगे और समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, जो हमारे पिछड़ों की बहुत पुरानी मांग रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके उन आंकड़ों के जनता के सामने रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा देना हुई मैं।